हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में सब कुछ। पैरेललोग्राम क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों समझते हैं पैरेललोग्राम को। तो यहां हमने दो फिगर बनाए हुए हैं और दो फिगर हमने इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि एक फिगर है रेक्टेंगल का, दूसरा फिगर है पैरेललोग्राम का। जो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है लगभग सेम होती है, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी लगभग वही होती है। हमने बोला था लगभग वही होती है, ठीक है। जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है लगभग वही होती है पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो रेक्टेंगल का जो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है लगभग सेम होता है, पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का भी फार्मूला लगभग सेम होता है, ठीक है। और जो रेक्टेंगल के पैरेमीटर निकालने का जो फार्मूला होता है एकदम लगभग नहीं एकदम सेम होता है पैरेललोग्राम के पैरेमीटर निकालने के फार्मूले के बराबर, ठीक है। तो समझते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल में जो आमने सामने का जो आर्म होता है सेम होता है और पैरेलल होता है। इसके सामने आर्म है ये वाला, इसका जो लेंथ होगा सेम होगा इस वाले लेंथ के बराबर और हमेशा पैरेलल होगा। और ये जो ब्रेथ है इसके सामने जो आर्म है ये वाला है, तो इसका जितना लेंथ होगा उतना लेंथ इसका भी होगा और पैरेलल होगा, ठीक है। और सेम प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी होती है। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ वाला आर्म है इसके सामने वाला आर्म ये है, इसका भी लेंथ सेम ही होगा जितना इसकी इसका लेंथ है और पैरेलल भी होगा, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, लेंथ में बराबर होगा और हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है। और ये जो विड्थ वाली है इसका जितना लेंथ होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। लेंथ बराबर होगा बट डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा ये जो रेक्टेंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, ठीक है। तो यही अंतर होता है और यही समानता भी होती है, ठीक है। समानता और अंतर दोनों बता दिया, ठीक है। अब जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। पेरीमीटर निकालने का फार्मूला यह होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना, पी फॉर पेरीमीटर मान लेते हैं। यह है रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फार्मूला और यही फार्मूला इसमें भी काम करेगा। पैरामीटर इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि जितने आर्म है सभी को हम ऐड कर देंगे तो पैरामीटर निकल जाएगा और पैरेललोग्राम में भी वही काम होगा कि जितने भी आर्म है सभी के साइज को हम ऐड कर देंगे तो पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एरिया की तरफ। ये जो एरिया है इसका एरिया हमने पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एल इंटू बी। एरिया निकालने का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। और यहां जो ये होता है पैरेललोग्राम, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का बेस इनटू करेस्पोंडिंग हाइट बोला गया है। यहां जो लेंथ था उसके जगह यहां बेस हो गया, एल फॉर लेंथ होता है, लेंथ की जगह बेस हो गया। क्यों, ये लेंथ था ये हो गया बेस क्योंकि नीचे में ये बेस मान लिया गया है और यहां जो है बी के जगह ब्रेड्थ के जगह करेस्पॉन्डिंग हाइट है। अब करेस्पॉन्डिंग हाइट क्यों हो गया ब्रेड्थ की जगह, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वेरिएबल होती है। ये जो पैरेललोग्राम है इसकी हाइट वेरिएबल होती है और इसकी जो हाइट है हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये तो 10 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर रहेगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है कि इसका जो है इसके ब्रेड्थ जो है इसकी हाइट, मतलब इसमें ब्रेड्थ है इसमें हाइट माना जा रहा है तो इसकी जो ब्रेड्थ को इससे नहीं आर्म से नहीं नापा जाता,
बेस के ऊपर जो है 90 डिग्री का जो है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसका जो हाइट हमें पता चलती है। ठीक है, हमें ब्रेथ नहीं बताना है, इसमें हाइट बतानी होती है। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग हाइट यहां दिया गया है। तो हाइट इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर इस फिगर को इस तरीके से ड्रा करें, इसकी जो हाइट होती है कॉन्स्टेंट होती है, कम होती रहती है। मान लो इस तरीके से अगर ड्रा किया गया है पैरेललोग्राम की, तो इसके ऊपर अगर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे तो इसकी हाइट अगर मान लो इस समय अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसी फिगर को अगर हम ये वाले इस आर्म को थोड़ा सा और ऐठेंगे, कुछ इस तरीके से ऐठेंगे, इस तरीके से इतना ज्यादा ऐठेंगे, तो ये इसकी हाइट और कम रहेगी। मान लो इसका 10 था, ये भी 10 था, तो ये इसकी हाइट उस समय 5 थी, इसको थोड़ा सा और हमने दबाया तो ये इसकी हाइट लगभग हो जाएगी 3 हो जाएगी या तो 2 हो जाएगी। इसलिए इसकी जो हाइट होती है पैरेललोग्राम की जो हाइट होती है, ये जो इसके जितना दबाया जाएगा इसकी हाइट जो है कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है पैरेललोग्राम। तो इसकी जो हाइट होती है क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है, ये ब्रेथ नहीं, इसमें हाइट होता है, हाइट क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी हाइट जो होती है, जो ब्रेथ हमने माना है, ये होता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये तो दब नहीं सकता, इसलिए इसकी हाइट मतलब ब्रेथ हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। इसमें दबता रहता है, जब ये दबता है तो ये वाला आर्म एक दूसरे के पास आता है, और ये जिसकी हाइट होती है, जब हाइट पास आता है तो हाइट कम होने लगती है। ठीक है, तो यहां सेम फार्मूला यहां इसके जैसा है, बट यहां जो है कहने का तरीका बदल गया है। लेंथ होता है एल के जगह बेस हो गया है, और ब्रेथ के जगह करेस्पॉन्डिंग हाइट हो चुकी है, और करेस्पॉन्डिंग हाइट में इसको नहीं लेते हैं, हाइट को लेते हैं। ठीक है, हाइट को इसलिए लेते हैं क्योंकि जब ये और पास आता, इसको ऐंठते हैं तो ये और कम होता रहता है, तो यहां इसलिए करेस्पॉन्डिंग हाइट लिखा गया है। तो इसकी हाइट हम पता कर लेंगे, और बेस के लेंथ क्या है, हाइट का लेंथ क्या है, ये पता कर लेंगे, तो इसका ये जो निकल जाएगा, अगर आप रेक्टेंगल के एरिया को पता कर लेंगे तो आप पैरेललोग्राम के एरिया को आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, देख लीजिए। अब हम मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड बाय।